नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूँ प्रीति जब्बल। हाल ही में SBS फूड चैनल पर इंडिया अनप्लेटेड फूड सीरीज का लॉन्च हुआ, जिसमें तीन भारतीय ऑस्ट्रेलियाई शेफ हेली रायचूरा, एडम डी सिल्वा और संदीप पंडित मेजबानी कर रहे हैं। हर गुरुवार को रात 8 बजे ये तीनों भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मिलने वाले लजीज खानों में से एक रेसिपी सिलेक्ट करते हैं और उसको अपने अंदाज में पेश करते हैं। आज हमारे साथ SBS हिंदी पर हैं संदीप पंडित, जो मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के 11वें सीजन में टॉप 11 में जगह बनाने में कामयाब रहे। संदीप मानते हैं कि हर डिश एक कहानी है, एक व्यक्ति की, एक रसोई घर की, एक संस्कृति की, और ये कहानी उस भूमि का वर्णन करती है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई। चलिए सुनते हैं संदीप पंडित से उनके नए फूड सीरीज इंडिया अनप्लेटेड के बारे में। संदीप जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो संदीप, इंडिया अनप्लेटेड, इसका आपका अनुभव इस शो का कैसा रहा? प्रीति जी देखिए, इस शो को करने का अनुभव जो था अब बहुत ही बेहतरीन था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे साथ हेली हैं, मेरे साथ एडम हैं, वो अपने आप में ही काफी कुछ जानते हैं, वो अपने आप में ही इंस्टीट्यूशन हैं, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जितने भी पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी हैं, उनमें हिंदुस्तानी खाने को लेकर जो वाइट वॉश किया गया है, करी, कि हम सिर्फ करी खाते हैं और हम सिर्फ नान खाते हैं, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बहुत सारी सब कल्चर, तो वो उस तरीके का डिपिक्शन वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ नहीं है आज तक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि यू नो आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट गाइस और अमंग द फर्स्ट पीपल हु गेट्स एन ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कि मैं इंडियन खाने को, प्रांतों के खाने को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा पाऊं। आपने एकदम सही कहा संदीप, कि इंडियन कुजीन विविध भी है और विशाल भी। तो अपने शो के लिए आपने इतने बड़े खजाने में से रेसिपीज कैसे चुनी और इनके सिलेक्शंस के पीछे आपकी सोच क्या थी? ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है। अगर आप इंडियन प्लेटर देखेंगी या जो भी श्रोता है, आपके लिसनर्स हैं, वो जो देखेंगे तो देखेंगे कि हम अलग अलग, हमने अलग अलग स्टेट्स में गए और अलग अलग स्टेट्स के जो खाने हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की। पर हम लोग काफी बार भूल जाते हैं कि अलग स्टेट्स में डिफरेंट कम्युनिटीज भी रहती हैं। जैसे मैंने गुजराती वाले एपिसोड में ट्रेडिशनल गुजराती खाना नहीं दिखाया, बट सिंधी खाना दिखाया, क्योंकि सिंधी लोगों की पहचान इंडिया में काफी बड़ी हद तक गुजरात से है। तो रेसिपीज का चॉइस जो मैंने किया है वो न सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उस प्रांत में या उस रीजन में कौन सी ट्रेडिशनल डिश है जो खाई जाती है, मैंने ये भी कोशिश की है कि कुछ प्रांतों में या कुछ रीजन्स के लिए मैं वहां पे रह रही जो सब सिविलाइजेशन हैं या सब कम्युनिटीज हैं उनकी भी रेसिपीज दिखाऊं, ऐसी रेसिपीज दिखाऊं जिनको बनाने में आपको बहुत ज्यादा टेक्निक ना लगे, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हो जो आपको मिल सकें, आटा दाल चावल हर जगह अवेलेबल है। तो मेरी सोच में तो यही था कि हर वो ट्रेडिशनल खाना दिखाऊं जो रिलेटिवली सिंपल हो, बट इस प्रोसेस में थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेट भी हो गया, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो संदीप, आपका जो ये शो था, इसमें किस किस्म की ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था इस शो को? हम लोग ने जब शुरुआत में इस बारे में थोड़ा विश्लेषण किया, डिस्कशन किया, एक्सपेरिमेंटिंग की कि हम किसे दिखाना चाहते हैं, तो जहन में आया कि जो एक तो जो बाहर की पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया में जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए बनाए, ताकि कुछ चीजें उन्हें समझ आए और हम रिलेट कर पाए। तो आई गेस एडम जब ये डिशेस अपने कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं, उनमें थोड़ा सा यूरोपियन फ्लेयर लाते हैं, तो बहुत कनेक्ट हो जाता है। पर साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि ये शो बाकी देशों में भी दिखाया जाएगा एंड परहैप्स इंडिया में भी दिखाया जाए, तो ये सबके लिए है, जो भी खाने के शौकीन हैं, जिन्हें हिंदुस्तानी खाने के बारे में पता है उनके लिए भी है, जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता है उनके लिए भी है। और मेरा रोल खासकर एक दादी माँ का रोल है, क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजें दिखा रहा हूँ और छोटे मोटे हैक्स दिखा रहा हूँ कि यार अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो ये जुगाड़ है। तो मेरी आप बहुत सारी चीट्स रेसिपीज देखेंगी,
कि ये जुगाड़ में ऐसे बन जाता है, मोर ऑर लेस हाउ अ मदर और अ ग्रैंड मदर वुड ट्राई टू फिक्स अप, जल्दी में कुछ खाना बना दिया और यू नो आपको खिला दिया. तो इट्स सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष को दिमाग में रख के नहीं बनाया है. तो अलग अलग लोग, अलग अलग फूड चॉइसेस वाले ये जाने कि हिंदुस्तानी खाना कितना कितना वाइड स्प्रेड है और कितना टेक्निकल है. जी, तो आपने अभी एडम की बात की जो थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी थोड़ा इटालियन इन्फ्लुएंस को मिक्स करके खाना बनाते हैं, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हमारे खाने में हैं. तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में इस तरीके के क्रॉस कल्चरल आदान प्रदान का क्या महत्व है? मल्टीकल्चरल सोसाइटी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए कोई भी कल्चर दो चीजों के लिए जरूरत, दो चीजों से कल्चर बनता है, एक तो आपके रिचुअल से और दूसरा आपके खाने से. एक रिचुअल से मेरा मतलब है आपका हाव भाव, त्योहारों का तरीका, चीजों का तरीका, द वे यू ग्रीट पीपल, एंड द सेकंड थिंग इज फूड. काफी काफी मनमुटाव, काफी कलेश लोगों में इसलिए होते हैं क्योंकि खाने को लेकर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन खड़े हो जाते हैं. अगर लोग एक दूसरे का खाना समझें, एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें, वासुदेव कुटुंबकम जो हम कहते हैं वो बहुत क्लियर हो जाता है, बिकॉज देन पीपल अंडरस्टैंड व्हाई लोगों की कुछ फूड चॉइसेस ऐसी क्यों हैं. तो एक मल्टीकल्चरल सभ्यता में, एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके आपके बीच में अलग अलग प्रजाति, अलग अलग प्रांत के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो क्या खाते हैं और वो आपके खाने को किस नजरिए से देखते हैं. तो मेरे ख्याल से एडम जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी उनकी फैमिली की हिस्ट्री ऐसी है कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, इटालियन बैकग्राउंड भी है और इंडियन बैकग्राउंड भी है, तो वो जिस तरीके से हिंदुस्तानी खाने को देखते हैं ये बहुत ही उम्दा लेंस है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर एक लोकल ऑस्ट्रेलियन हो गए जिन्हें बहुत कम पता है हिंदुस्तानी खाने के बारे में. और अगर आप उनका एक उनकी जो डिश जो उन्होंने गुजरात एपिसोड में बनाई थी, खिचड़ी रिजॉटो, एक्चुअली देखा जाए खिचड़ी एक तरीके से रिजॉटो ही है और रिजॉटो एक तरीके से खिचड़ी ही है. पहले तो मुझे ऐसा लगा शायद स्वाद नहीं आएगा, पर मेरे ख्याल से वो प्लेट में ही खत्म कर गया था जहां तक मुझे याद है. संदीप, आप कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय भोजन का प्रचार कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ भारतीय भोजन सही तरीके से अपनी पहचान बना पा रहा है? देखिए जब मैं पहले ऑस्ट्रेलिया आया था करीब 5 साल पहले, तो उस समय अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसी जगहें नहीं थी जहां पे आप एक अच्छा हिंदुस्तानी खाना खा सकते थे. और हिंदुस्तानी खाने के नाम पर गिनी चुनी डिशेज हैं जिनको, मतलब समोसे हो गए, बटर चिकन हो गया, नान हो गई, लस्सी हो गई और कहीं कहीं बिरयानी, और अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है तो शायद कहीं डोसा मिल जाए. पर कंसिस्टेंसी नहीं है, क्वालिटी क्वेश्चनेबल है, और उसकी अलग अलग वजह हैं. उसके वजह शायद ये भी है कि कहीं बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जो इंडियन फूड, ट्रेडिशनल इंडियन फूड अपने करिकुलम में सिखाएं. फ्रेंच फूड क्विजीन के साथ ऐसा होता है बट हमारे खाने के साथ नहीं होता, और वही मुझे लगता है रीजन है कि जो प्रतिभाशाली शेफ हैं वो यहाँ आ नहीं पाते काम करने के लिए, वो सारे इंडिया में हैं और वहाँ अच्छा खाना बना रहे हैं, और यहाँ पे हम इंडियन खाने के नाम पर थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही हो जाते हैं. बट ये थी 5 साल पहले की बात, थे उस समय भी कुछ रेस्टोरेंट पर अनफॉर्चुनेटली शायद मैं जा नहीं पाया था. अभी मैं देख रहा हूँ, आप अगर बड़े टेलीविजन शोज भी देखें, हींग को हींग ही कहा जाता है, उसे इंडियन टेस्ट एनहेंसर नहीं कहा जाता. दाल को दाल के नाम से जाना जाता है, मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, एंड ऑल द इंग्लिश नेम्स ऑफ देयर्स. और रोटी रोटी है, रोटी फ्लैट ब्रेड नहीं, आई मीन है बोथ आर फ्लैट ब्रेड्स, बट रोटी और नान दोनों को ही अंग्रेजी में फ्लैट ब्रेड कहेंगे, पर अब लोग नान बोलते हैं, रोटी बोलते हैं, पुलाव बोलते हैं, बासमती चावल बोलते हैं. तो वो, और ये होना बहुत जरूरी है इससे ना, नो द डेविल इज इन द डिटेल, ऐसा जैसा कहा जाता है कि आप ऊपर से तो सब एक जैसा ही नजर आता है, पर जब आप थोड़ा और शोध करते हैं, थोड़ा और रिसर्च करते हैं, यू नो द सटल डिफरेंसेस. एंड समटाइम्स जिस तरीके का कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तानी खाना है, इवन अ चेंज ऑफ वन स्पाइस विल चेंज द डिश एंटायरली. तो ये अब होना शुरू हुआ है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है दैट मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इस
चेंज को किक स्टार्ट किया पॉसिबली मास्टर शेफ से। जाते जाते अगर आप हमारे साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे हमारे सुनने वालों के लिए तो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, जो रेसिपी मैं शेयर करना चाहूंगा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पॉपुलर है हिंदुस्तान में। हम लोगों ने बचपन में काफी लोगों ने सिरके वाले प्याज खाए होंगे, आपने खाए? बहुत शौक से। बिल्कुल, तो ट्रेडिशनली जब हम सिरके वाले प्याज, सिरका यानी कि विनेगर, सिरके वाले प्याज यानी यू नो अनियंस एंड विनेगर, ट्रेडिशनली जब बनाते हैं तो यू नो शैलॉट्स होते हैं रेड, उनको सिरके में डाला जाता है, विनेगर में डाला जाता है। बट मेरे पास एक सिंपल तरीका है फॉर दोज ऑफ अस लाइक माई सेल्फ जहाँ उतना वक्त नहीं है, तो आप प्याज को जो है बहुत बारीक काट लें। इट्स एंटायरली अप टू यू, आई प्रेफर कि हम स्लाइस करें ताकि वो लंबे लंबे रेशे रहें प्याज के। उनको स्लाइस कर दीजिए इनटू नाइस लॉन्ग स्लिवर्स और उसके बाद उन पर थोड़ा नमक डाल दीजिए। उससे क्या होगा, प्याज का जो पानी है वो सारा बाहर आ जाएगा। तो जितना पानी हो सके उतना निकाल लें, वरना ये डिश बहुत ही ज्यादा यू नो चिपचिपी और पानी पानी हो जाती है। और ये जो बचा हुआ प्याज है इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा यू नो एक आधा नींबू। तो अगर एक आप दो या तीन प्याज यूज कर रहे हैं तो आधा नींबू लग जाएगा। ये सारा मिक्स करके एक छोटी हरी मिर्च ऐड कर दें, थोड़ा सा धनिया ऐड कर दें और फिर मुझे दुआएं दें क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया साइड डिश किसी भी चीज के साथ हो सकती है। चले संदीप जी, थैंक यू आपके समय के लिए, बहुत 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 शुक्रिया।